अब ये टिका सार है, टिका सार द्री बुजुर्ग सार के बाद जो है वो आता है, क्योंकि खेल का इलाका है, लश ग्रीनरी है, जाज़बे नजर नजर जो है वो ये मनाजर है आप देख सकते हैं, और एक खौफ सा होता है दिल में कि कहीं ना कहीं कोई जानवर ना आ जाए, कोई खौफ और जंगली जानवर यहाँ पे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा वो एक रिस्की और एडवेंचरस जो है ट्रैक है हम कर रहे हैं। तो आगे का सफ़र हम आपको रिकॉर्ड कर देंगे, करके देंगे, इस व्लॉग को मिस मत करने, एंड तक देखें। हमारे लिए खुराक जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं, थवे जो है वो थवे जुबे, और ये नेचुरल फ्रूट्स हैं यहाँ पे, स्ट्रॉबेरीज जैसा है, और साथ साथ हम ये भी खा रहे हैं, और अपना जो ट्रैक है वो भी हमने जारी रखा हुआ है। यू वुड लव दिस व्लॉग इंशाल्लाह। भूख की वजह से इंतहाई भूख लगी है, सारे जो तके हारे मानदे भूखे यहाँ पे जो है वो स्ट्रॉबेरीज इकट्ठे कर रहे हैं, और वो हम इंशाल्लाह खाएंगे। फिर चले कि हमने तकरीबन 3-3.5 घंटे जो है अपने पैदल सफ़र यहाँ तक किया है, उसके बाद हमने टिका जो सर है इसके ऊपर हमने थोड़ा सा रेस्ट किया है। टिका सर जो है कि खेल का इलाका है, बहुत मशहूर है, और मैं समझता हूँ यहाँ पर हम कोई तकलीफ नहीं है, एडवेंचरस एक्टिविटी है, एडवेंचरस ट्रिप है, थोड़ा सा हम जो है थवे जवे भी कर रहे हैं इसको असल में लोकल लैंग्वेज में थवे कहते हैं, स्ट्रॉबेरी जिस तरह नमकीन एंड टेस्टी है, और उसके बाद हम अपना सफ़र जो है वो द्रोबोंडा, क्या कहते हैं उसको, दोरबोंडा, उस इलाके तक हम आपको ले चलते हैं, आपको इन सुनसान वादियों की खामोशी, सनसनाहट और सारी जो आवाज़ें हैं आपको सुनाएंगे, और इस पूरे सरार वादी को आपको एक्सप्लोर करके खूबसूरत फूलों के दरमियान। अब फूलों की वादी में पहुंच गए हम, और इंतहाई खूबसूरत लिलीज है और मुख्तलिफ किस्म के जो वाइल्ड फ्लावर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। एक और बात आपको बताता चलूँ, यहाँ पे जो है नेचुरल हर्ब्स बहुत ज़्यादा मौजूद है, जो हकीम साहब और होम्यो जो है वो मेडिकल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बताता चलें कि दोरबोंडा का जो हम बता रहे थे कि हम आ रहे हैं, तो ये एक बोंडा यहाँ पर है। बोंडा बेसिकली मतलब ये है कि यहाँ पे जो चरवाहे हैं जो अपने माल मवेशियाँ जो हैं वो यहाँ पे चराने के लिए लेके आते हैं, और यहाँ पे और रात भी गुजारते हैं, वो चरवाहे जो हैं वो अपने माल मवेशियों की सेफ्टी के लिए यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जानवर, जंगली जानवर, क्योंकि यहाँ पर आबादी बिल्कुल नहीं है, और यहाँ पे मेडोज़ है, और इन मेडोज़ में और फूलों में वो अपने जो माल मवेशी है वो चराते हैं। तो आपको एक लुक दिखाता है कि ये जो बोंडा है किस तरह का और किस तरीके से बना होता है, तो लेट्स गो देयर। बिल्कुल हॉरर मूवीज की तरह ये एक सीन है। भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं शाहिद खान, कजन ब्रदर नीचे से आ रहे हैं, एक दूसरा साथी भी। इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई पीक पर, और बादल जो है वो आसमानों पर उमड़ रहे हैं, ये हम उस गांव की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा खाने को हम कुछ मिलेगा, कुछ खा लेंगे।
अभी कड़वास्ते शहर की तरफ जो है गामजन है, दोरबोंडा से थोड़ा सा आगे के फासले पर है, तकरीबन 400-500 मीटर मजीद हम ऊपर हाइकिंग करेंगे। सर्दी इंतहाई ज़्यादा है, लेकिन जब हम पैदल चल रहे होते हैं तो फिर पसीना पसीना हो जाता है बंदा, और इंतहाई मेहमान नवाज दोरबोंडो के लोग हमारे साथ, उन्होंने अपने ख्याल के इजहार भी शेयर किया। सुलेमानी चाय, दूध पत्ती चाय वो पिलाई, और इसके बाद हम आगे कड़वस्ता का इलाका देखेंगे, और जो खूबसूरती है वो आपको आपके नज़रों के सामने रखेंगे। एंड यू कैन सी द ब्यूटी हियर। हमने तो दूसरी जो छोटी थी वो भी हमने शेयर कर ली, और जा रहे हैं धीरे धीरे। ये कड़वस्ता जो छोटी है उसकी तरफ हम रवा दवा। यहाँ पे फ्रेंड्स मेरे लिए इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत ही काबिल हूँ हाइकिंग में और मेरा स्टेमिना बिल्कुल नहीं है। अब हम एक चरवाहे के साथ मिल रहे हैं, बहुत दूर दराज इलाके से आ रहे हैं। ये जो है हम तकरीबन 30-40% हमने अपना सफर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद भी 2-3 छोटियाँ बाकी हैं। यहाँ पे हम तके हुए हैं क्योंकि यहाँ पे चरवाए थे, उन्होंने कहा कि हमने अपनी सुलेमानी चाय पिलानी है, तो लेट्स एंजॉय द सुलेमानी चाय एंड उसके बाद हम अहेड जाएंगे। दूसरा चोरी का बंदा पकड़ा गया। तो लीजिए जनाब, ये एक दूसरा खुबानी पकड़ा गया, इनके जेबों की तलाशी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये काम चोर ना मुझे बता रहे हैं कि आप थके हुए हैं, मैं भूखा हूँ इंतहाई। जो चाय के लिए जो हमने बताया था वो हमारे लिए तैयार है, और 10,000 फीट बुलंदी पर हम यहाँ पे आप सुलेमानी चाय अपने दोस्तों के साथ पियेंगे। तो आपको बताता चले कि सुलेमानी चाय जो है अभी तैयार है। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी बताता चलूँ, ये तकरीबन 3000 अल्टीट्यूड, राउंड अबाउट 10,000 फीट जो है MSL पर हम मौजूद हैं यहाँ पे। आखिरी चोटी है, इसके आगे हम नहीं जा सकते, नो गो एरिया है इससे आगे, और फ्रेंड्स भी ये डिमांड कर रहे हैं। वैसे हम मैं तो थका नहीं हूँ, ये लोग थके हुए हैं। नहीं नहीं ये देखे तो मैं आगे हूँ ना, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं थका नहीं हूँ। अच्छा, इसको हम पीछे छोड़ देंगे तो फिर हमारे पीछे नहीं आ सकता। हाँ ये देखे बहुत असीम। ओहो, ये है कंदूगरी बाई का जो इलाका है वो नीचे आपको दिख रहा होगा, और ये है कड़वास्ता का टॉप है, और इससे आगे जो है हमें इजाजत बिल्कुल नहीं है। एंड ये हाइकिंग यहाँ पर अहतमाम पजीर होती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये व्लॉग देखा, हमें बहुत से तकलीफ का सामना पड़ा, हमने बर्दाश्त किया ताकि ये जो इलाके हैं आपके लिए वो एक्सप्लोर करें। कि हम जो है वो शिकार के एवज शिकार के इरादे से आ गए थे कि हम यहाँ पे कुछ खा लेंगे पी लेंगे और कुछ पकड़ेंगे, उसको हम कढ़ाई बनाएंगे, सिख्ती का बनाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं लगा हाथ। इंतहाई जो है वो मायूस कुन हालत में हमने टमाटर प्याज उसके लिए रखा था कि हम उसमें कढ़ाई बनाएं, लेकिन बदकिस्मती से वही बस हमने खा लिया, कोई शिकार नहीं मिला। बस आगे चल के देखते हैं कि कोई शिकार मिलता है कि नहीं मिलता। क्या हमने 6 घंटे 45 मिनट सफर किया है, और
इसके बाद हमारी वापसी होगी, क्योंकि आगे का जो कोई प्लान नहीं है। यहाँ से एक नो गो एरिया है और लास्ट में यहाँ पे जो है हम प्याज गुड़ के साथ और टमाटर के साथ खाना रोटियां खा रहे हैं। और ये देखिए बहुत ही भूखे है, इन्होंने कल भी नहीं खाया था, ये देखें इनके मुंह देखें जरा सा। तो वापसी के रास्ते पर आपको बताता चले कि हमारी वापसी जो है वो अलग रास्ते से हुई, और ये वचनोज का इलाका जो है और इगो मेला, इस रास्ते से हम वापसी करेंगे चरगो चने की तरफ। और आपको जिस तरह दिखाई दे रहा है इंतहाई ख़तरनाक रास्ता। हाँ, वचनो के इलाके तक हम पहुंच चुके हैं और ये ज़रा देखें, ये वो रास्ता है जिससे हम उतरे, बिल्कुल स्टीप है। अच्छा, ये कुदरती जो फ्रूट्स हैं वो अर्गिंजोना नाम है इसका, ये बहुत ही टेस्टी है काइंड ऑफ। और रास्ते में खुबानों के दरख्त हैं और भी कई काफ़ी फ्रूट जो है वो, ये देखे ज़रा, ये अर्गिंजोना है, ये तुर्जागोन है। रोड बिजी है, हमने तकरीबन 11.5 घंटे जो है पैदल सफ़र किया है, और इसके बाद तकरीबन एक चोटी बाकी है अपने गांव वापस जाने के लिए, तकरीबन मेरे ख्याल में 2 घंटे मजीद रहते हैं। तो आइए ज़रा दिखाएं इनको, एक चोटी रहते हैं यहाँ पे। तो जनाब आपको बताता चले कि हमारी जो वापसी है वो तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि हम अब चरगो चने टॉप तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब है कि हम पहुंच गए, 12 घंटे और 25 मिनट का ये ट्रेक। सुबह 7 बजे से हम निकले थे और अभी टाइम पता नहीं क्या हुआ है, 7 बजे हो गए। तो ऑलमोस्ट हमारी 12 घंटे की जो ट्रेवल है, और ट्रेवल नहीं हाइकिंग है, वो बिलाखिर इख्तिताम पज़ीर हो रहा है। इससे आगे भी 45 मिनट का रास्ता बाकी है, लेकिन वो इतना कोई नहीं है, वो आसान है। आप देख सकते हैं तक हारे और प्याज टमाटर से ही काए हुए, और रास्ते में जो हमने कुछ खाया है वही बस हमने उसी गुजारा किया है। रास्ते में जो नेचुरल फ्रूट्स है वो हमने खा लिए। आप ज़रा देखें कि हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, ये आखिरी डेस्टिनेशन। अच्छा, 12.5 घंटे सफ़र करने के बाद यही हाल होता है भाई। और अपनी व्लॉग को यही ख़त्म कर लेते हैं, अभी चार्ज भी ख़त्म हो चुकी है और जो फ्री स्पेस है, मेमोरी स्पेस है, वो भी ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद हमारी हालत बहुत गैर हो चुकी है। तब तक के लिए, नेक्स्ट व्लॉग के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।